फैक्ट्री में मजदूर की मौत पर हंगामा। धनबाद के राजगंज थाना अंतर्गत मधुगोड़ा स्थित एक हार्ड कोक फैक्ट्री में एक दिहाड़ी मजदूर कार्य के दौरान अचानक गिरकर बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 44 वर्षीय प्रभुलाल सोरेन लोदीडी गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं जब आज परिजनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की वार्ता करनी चाही, जिस पर बात नहीं बनी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने स्थानीय मुखिया के नेतृत्व में फैक्ट्री के समक्ष ही तेतुलमारी राजगंज मुख्य मार्ग को जाम कर सड़क पर बैठ गए। मुखिया ने कहा कि परिजनों की मांग 15 लाख रुपए मुआवजा और आश्रित को नियोजन पर सहमति नहीं बनती है तो सड़क जाम जारी रहेगा। वहीं सड़क जाम के समर्थन में उपस्थित संथाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को उग्र करते हुए फैक्ट्री में तालाबंदी भी किया जाएगा। फिलहाल सड़क जाम यथावत बनी हुई है, जिससे इस मार्ग को उपयोग करने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला यह है कि ये राजगंज थाना क्षेत्र के रामदेव सिन्हा हाटो भट्ठा में एक कार्यरत मजदूर की कल देहांत हो गई है और उसके मुआवजा के लिए हम लोग उसका परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं, लेकिन प्रबंधन है कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या मांग है आप लोगों का? है कि इनको नियमित जो मुआवजा होना चाहिए उनको मिलना चाहिए। मांग पूरी नहीं होगी क्या? मांग पूरी नहीं होगा तो फैक्ट्री सील की जाएगी सर। हम लोग तभी रोड में बैठे हुए हैं, इससे भी आगे के आंदोलन हम लोग फिर करेंगे, आगे और भी हम लोग आंदोलन करेंगे, फैक्ट्री तक को ताला लगाया जाएगा। एक मजदूर की मौत हो गई है फैक्ट्री के भीतर, जिसका जो हम लोग मुआवजा के लिए वार्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन वो वार्ता के लिए तैयार है नहीं और उचित मुआवजा दे नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने रोड जाम किया है। मांग पूरी नहीं होगी, इसके लिए जो हम लोग आगे करने थे बनाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग तय करेंगे।